जब 1987 में हमारे कालकटोरा में हमारे हॉस्टल पे हीरक जयंती थी, केसी त्यागी ने मुलायम सिंह यादव को बुला लिया, मुख्यमंत्री था। त्यागी ने कहा शिखरे बुला लिया, तू बुला लिया, मैंने सुन ली। बोले पढ़ाओ, कहने लगे भाइयों ये बता दो, मैं तो ग्वालियर हूँ, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, जमींदार हैं, बड़े बड़े चौधरी हैं, भाई दिल्ली आओगे तो किसके यहाँ ठहरोगे? अब त्यागी चुप, हमारा कोई सांसद नहीं था, उसका किसके यहाँ ठहरोगे दिल्ली? उसने ये कहा था जिस जाति की राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है उस जाति का कुछ नहीं गड़ा गया, कोई नहीं पूछने वाला। तो त्यागी संगठित हो जाओ, जिस दिन आप 50,000 इकट्ठे हो जाएंगे दिल्ली की कुर्सी हो जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और ये भी वादा करता हूं कि मैं का कोई प्रत्याशी नहीं है, ना मैं लड़ू ना मेरी औलाद लड़े, मांगूंगा आपके लिए, अगर मेरा बस चला तो आपके लिए किस दबांगूंगा। लिखा पढ़ी में बहुत माहिर हूं मैं, लेटर भेजता रहता हूं सबके पास, आपको बताता रहता हूं हमारी त्यागी कितनी शक्तिशाली है। और सुनो, गड़ी में तेरे पुरजे होते हैं जिससे गड़ी चलती है, और जब अकल बढ़ रही थी तो भगवान ने ब्राह्मण जाति को तेरे के तेरे पुरजे दिए, जाट को 8, गुर्जर को 5, इस तरह से सबसे ज्यादा पुरजे तुम्हारे पास है, गड़ी से तुम चलाते हो। तो भैया त्यागी समाज को भी चलाओ, अपने बेटे को आगे करो, मरुपो को फिर से हाथ रखो, उनसे कहो चलो आगे, भगवान तुम्हारे साथ है। बोलो वादा करते हो? तेईस लाख त्यागी वोटर हैं और 23 लाख मुस्लिम त्यागी वोटर हैं। आपके पास टिकट बनते हैं, अरे बीजेपी हमें 5 टिकट दे ना देता तो इंडिया, ये कहिए सिर्फ इंडिया, एक ही उनका मुद्दा है इंडिया, भाई 5 टिकट दे दे हम तेरे साथ हैं, ना देता है तो इंडिया। बोलो कोरोना ऐसा है नहीं, ये श्रीकांत नया उभरता चेला है, बच्चा है, मैंने आशीर्वाद दिया इसे, हाथ इसको आगे बढ़ाओ, ऐसे ही आपको से और निकले उनको आगे बढ़ाएंगे। एक लड़के को और जो संचालन कर रहा है, मैंने उसे आज जोर ले लिया, तुझे मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभिषेक त्यागी, दोस्तों मैं कदम का बहुत बनी हूं, और 1982 से आज तक यानी 40 साल हो गए मैं यही काम कर रहा हूं, रिटायर होकर 1982 में आया, अब भी स्कूटर चलाता हूं, गांव से खेती बाड़ी देखता हूं, और कचहरी में आता हूं लोगों को करने। ये ऊर्जा आपसे मिलती है मुझे, मेरे अंदर नहीं आपसे मिलती है, आपको जब देखता हूं तो मेरे अंदर ताकत पैदा हो जाती है। आप भी जब इतने सारे लोगों को देखे तो आपके अंदर ताकत पैदा करो, ये ताकत है आपकी। अब मैं आपको ये हमारे, अरे 1952 में नेहरू जी ने कुछ कहा था, अरे महावीर एमएलए था वो, अरे महावीर दिल्ली आ गए, महावीर दिल्ली आ गए, मिनिस्टर बना दिया, 62 तक मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री, और कैसा आपके जेल में जो मिनिस्टर आर्मी थी उसको तोड़ करके हमारी भारतीय आर्मी में मिला दिया। नेहरू जी ने कहा ये क्या किया महावीर, कह रहे कर दिया महावीर ने, ऐसा ऊर्जावान महावीर ने पंडित नेहरू की जेब से पैसा छीन लिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दे दिया, कहने लगे ये क्या बदतमीजी है, बदतमीजी नहीं अगला प्रधानमंत्री ये है, ऐसा महावीर त्यागी। इससे कुछ तो सीखो भैया, ऊर्जा ले लो, हिम्मत वाले बनो, मुक्ति पालो, दंडा ले लो, दंडा ले लो।
तो ताकत तुम्हारे अंदर पैदा होगी, तुम्हें बुला बुला के टिकट देंगे। और अगर आप पिछलग्गू बने रहे, अभी ना हम तो बीजेपी के हैं बस, तो भैया तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब मैं बताऊंगा आपको,